दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल के लेटेस्ट फीचर गूगल असिस्टेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल आईओ में इस बार जो जो भी अनाउंसमेंट्स हुए उन सभी के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन सभी को चेक कर लीजिएगा, जिससे आप ये जान पाएं कि गूगल आने वाले टाइम में हम सभी के लिए क्या कुछ नया लेके आने वाला है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में बात करते हैं गूगल असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों देखिए, गूगल असिस्टेंट जो है वो एक तरीके से गूगल नाउ का एक एक्सटेंशन है, जो कि उसको एक काफी नई पर्सनैलिटी देता है और उसमें एक बिल्कुल नया एक्सटेंशन जो है उसको ऐड कर देता है। आज से पहले अगर आपने एप्पल में सिरी को यूज किया हो या आपने विंडोज फोन में कोर्टाना को यूज किया हो, तो आपने ये जाना होगा कि सिरी और कोर्टाना दोनों में ही एक अपनी पर्सनैलिटी है। आप उनसे जब भी कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसी का उसी तरीके से जवाब मिलता है। तो एक तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके फोन में वाकई में एक डिजिटल असिस्टेंट है, एक पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी हर तरीके से मदद करता है। गूगल नाउ आज से पहले तक ऐसा था कि आपने बस सवाल पूछा तो आपको टू द पॉइंट जवाब मिल गया, या उसके अलावा आपके साथ में कुछ भी इंटरेक्शन उसका नहीं हो पाता था, जिस तरीके से आपको सिरी में और कोर्टाना में देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली गूगल ने कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया है कि सिरी और कोर्टाना जो है वो बिल्कुल अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट जो है वो एक तरीके से बहुत ही एडवांस चीज है। दोस्तों ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप कोई भी सर्च करें गूगल पे, कुछ भी आप बोल के सर्च कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में आपको दोबारा फ्रेश सर्च करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा क्या हाल है, कहाँ गए थे, फिर वहां पे क्या हुआ। तो हम अगर हमने पूछा कि कहाँ पे गए थे तो उसने बोला कि बाजार गया था, तो हम ये नहीं पूछते कि बाजार में क्या हुआ, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि क्या हुआ वहां पे। तो वहां पे का कंसेप्ट ये होता है कि बाजार में, तो वो जो सामने वाला यूजर है वो अपने आप समझ जाता है क्योंकि हमें दिमाग है। लेकिन आज के बाद में गूगल असिस्टेंट में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आप जो भी कुछ सर्च करते हैं उसमें वो काफी सारे अपने एल्गोरिथम्स लगाएगा, तो वो ये जान पाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस कंसेप्ट में आप बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और उसके लिए आपको सामने से अप्रोप्रिएट जवाब भी मिलते जाएंगे। आप कहीं पे खड़े हों, आप किसी बिल्डिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछ सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि आज से पहले भी आपको गूगल नाउ में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन गूगल असिस्टेंट में काफी सारे एडवांस चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं। मैं बार बार अपने सवाल जो है वो रिपीट नहीं करूंगा, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछूंगा और आपको उसकी नई नई चीजें देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, Who is Amitabh Bachchan? According to Wikipedia, Amitabh Harivansh Bachchan is an Indian film actor. Okay, Google. How old is he? He is 73 years old. Okay, Google. How tall is he? He is 1.85 meters tall. Okay, Google. Which was his first film? According to biography.com. In 1969, he debuted in South Hindustani. दोस्तों देखिए, मैंने कितने आसान तरीके से अमिताभ बच्चन के बारे में तीन चार सवाल पूछ लिए और मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ा कि अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है, अमिताभ बच्चन की एज कितनी है, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी। गूगल नाउ ने ऑटोमेटिकली एक तरीके से बात करते करते मैंने प्रोनाउन का यूज किया और बड़े आराम से जज कर लिया कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूं। तो ये फीचर गूगल असिस्टेंट में जब आएगा, मतलब गूगल असिस्टेंट के लिए जब आएगा, तो ये काफी बड़े स्केल पे होगा। आपको आपके सवालों के जवाब इंस्टेंटली, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो एक तरीके से आपको लगेगा कि एक एक्चुअल रियल पर्सनल असिस्टेंट आपके फोन में है, और जो काम आप आज तक गूगल नाउ में, सिरी में, कोर्टाना में करने का सोच भी नहीं सकते थे, वो काम आप आज के बाद में गूगल असिस्टेंट में कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा फीचर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो बाकी वीडियोज हैं गूगल आईओ के बारे में उन सभी को देखना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका सवाल सुझाव तो मैंने बोल दिया, हालांकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।